इसके पिछले वीडियो में कार्ड पेज पे प्रोडक्ट को डिस्प्ले किए थे इस वीडियो में पेमेंट इंटीग्रेशन करने वाले हैं तो ये पेमेंट इंटीग्रेशन का डॉक्स है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसके हेल्प से इसे क्रिएट करने वाले हैं पेमेंट इंटीग्रेट करने के लिए रेजर पे का यूज करेंगे तो यहाँ पे रेजर पे एक, एक स्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है इंडेक्स डॉट एस टी एल में इसे पेस्ट करना होगा तो इसे कॉपी करते हैं तो इंडेक्स डॉट एस टी एल में इसे पेस्ट कर दें रेजर पे एक फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसमें आप अपना सीक्रेट की दे सकते हैं और अमाउंट दे सकते हैं यहाँ पे करेंसी सेट कर सकते हैं और ऑर्डर रिसिप्ट रहेगा अपने वेबसाइट का नाम दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं ये एक हैंडलर है जिसके अंदर अपना कस्टम फंक्शन क्रिएट करेंगे और ये थीम है और ये भी एक फंक्शन है जिस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो रेजर पे का का इंटरफेस आएगा तो इसे क्रिएट करते हैं कार डॉट जेसएक्स में जाके एक फंक्शन बनाएंगे बाई नाव का और उसमें वैलिडेशन लगाएंगे देन एड्रेस इन्फॉर्मेशन को फायर इस्टोर में स्टोर करेंगे तो सबसे पहले क्रिएट करते हैं यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे const बाई नाव इस फंक्शन को एसिंग करेंगे यूजर से एड्रेस इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कुछ यूज स्टेट बनाएंगे जैसे नेम एड्रेस पिन कोड फ़ोन नंबर तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे नेम है एड्रेस है पिन कोड है और फ़ोन नंबर है देन यहाँ पे वैलिडेशन लगाएंगे तो एक कंडीशन दे रहे हैं नेम खाली रहेगा या एड्रेस खाली रहेगा या पिन कोड खाली रहेगा या फ़ोन नंबर खाली रहेगा ये टोल्स दिखा दो ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर तो इसको कॉपी करते हैं और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं ये हो गया देन देन एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी फील्ड्स है उसको देंगे इस ऑब्जेक्ट को फायर स्टोर में स्टोर कराएंगे तो यहाँ पे बनाते हैं कॉन्स्ट एड्रेस इनफो इक्वल टू ऑब्जेक्ट लेंगे और इसके अंदर नेम लेंगे एड्रेस लेंगे पिन कोड लेंगे और फ़ोन नंबर लेंगे ये हो गया और डेट लेंगे तो यहाँ से डेट को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो ये आपका एड्रेस इन्फॉर्मेसन हो गया देन इसके बाद से पेमेंट इंटीग्रेशन का कोड को पेस्ट करेंगे तो यहाँ से इसे कॉपी करते हैं ठीक इसके नीचे पेस्ट करेंगे ये रेजर पे के ऑप्शन वाले फंक्शन में इसके अंदर ऑर्डर इन्फॉर्मेशन को स्टोर कराएंगे। इस रिस्पॉन्स से आईडी लेंगे और इसे स्टोर कराएंगे तो यहाँ पे यहाँ पे पेमेंट आईडी ले रहे हैं और एक ऑर्डर इन्फॉर्मेशन का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर कार्ड आइटम्स रहेगा एड्रेस इन्फॉर्मेशन रहेगा और ये डेट रहेगा और यूजर का ईमेल लेंगे और यूजर आईडी लेंगे और ये आपका पेमेंट आईडी लेंगे तो कार्ड आइटम्स क्या है जिस कार्ड को सिलेक्ट किए हैं वो कार्ड आइटम्स को स्टोर करेंगे और जो टॉप पे एड्रेस इंफॉर्मेशन बनाए थे वो लेंगे और ये डेट लेंगे और जो करेंट यूजर है उसका ईमेल लेंगे और ये यूजर आईडी लेंगे ये रेजर पे का रिस्पॉन्स आएगा तो ये पेमेंट आईडी लेंगे इस रिस्पॉन्स से ये पेमेंट आईडी लेंगे देन राइ कैच के अंदर इस ऑर्डर इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट को यहाँ पे स्टोर करेंगे तो सबसे पहले पेमेंट आईडी लेते हैं कौस्ट पेमेंट आईडी इक्वल टू ये रिस्पांस के अंदर ये रेजर पे पेमेंट आईडी आता है तो इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करेंगे देन ये होने के बाद से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे कॉन्स्ट ऑर्डर इन्फो इक्वल टू करली ब्रेकेट के अंदर ऑर्डर इन्फॉर्मेशन में कार्ड आइटम्स रहेगा जिस कार्ड को सिलेक्ट उस प्रोडक्ट का डेटा ऑर्डर इन्फॉर्मेशन में स्टोर होगा देन एड्रेस इन्फॉर्मेशन स्टोर होगा डेट को स्टोर करेंगे देन डेट के बाद ईमेल और यूजर आईडी को स्टोर करेंगे ईमेल और यूजर आईडी लोकल स्टोरेज से लेंगे जो ये लोकल स्टोरेज का डेटा है वो स्ट्रिंग में आता है तो यहाँ पर जैसा पार्टस करेंगे ऑब्जेक्ट में आएगा तो इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे देन ये होने के बाद से पेमेंट आईडी को स्टोर कराएंगे। देन एक ट्राई कैच लेंगे और ट्राई कैच के अंदर एड डॉक मेथड का यूज करेंगे ये ऑर्डर इन्फॉर्मेशन का ऑब्जेक्ट हो गया और इसे अब फायर इस्टोर में स्टोर कराएंगे। तो यहाँ पे ट्राई कैच लेंगे और ट्राई कैच के अंदर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देंगे एरर यहाँ पे ऑर्डर रेफरेंस बनाएंगे तो कौस्ट ऑर्डर रेफ इक्वल टू इसके अंदर कलेक्शन लेंगे और ये कलेक्शन फायर इस्टोर से इंपोर्ट होगा और इसके अंदर फायर इसके अंदर डेटाबेस नेम देंगे और यहाँ पे कलेक्शन नेम देंगे ऑर्डर और यहाँ पे अवेट लगाएंगे एडॉक मेथड का यूज करेंगे एडॉक दो डेटा लेता है पहला डेटा रेफरेंस तो डेटा रेफरेंस आपका ऑर्डर रेफरेंस है तो ऑर्डर रेफरेंस देंगे और दूसरा कौन सा डेटा स्टोर करना है तो हमें ऑर्डर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है तो यहाँ से ऑर्डर इन्फो लेंगे ये हो गया यहाँ पे ऐड टू कार्ड करते हैं देन कार्ड पेज पे जाएंगे जैसे इस पर बाई नाउ कर रहे हैं तो ये मॉडल आ रहा है तो इस पर ये फील्ड को फिल करेंगे देन ऑर्डर नाउ करेंगे तो ये जो मॉडल कंपोनेंट है उसके उसके अंदर प्रॉप्स पास करेंगे नेम एड्रेस पिन कोड फ़ोन नंबर तो यहाँ पे मॉडल कंपोनेंट के अंदर फंक्शन को पास किया जा रहा है और नेम एड्रेस पिन कोड फोन नंबर सेट नेम सेट एड्रेस पिन कोड सेट पिन कोड सेट फोन नंबर इन सब को पास करेंगे और इसे यूज करेंगे तो इसे कॉपी करते हैं ये मॉडल कंपोनेंट है और इसके अंदर इसे पास कर देंगे तो ये हो गया यहाँ पे मॉडल डॉट जे में प्रॉप्स को रिसीव करेंगे तो यहाँ से इसे रिसीव किया जा रहा है तो यहाँ पे प्रॉप्स को डीएसट्रक्चर करेंगे तो इसे कॉपी कर लेते हैं और कंपोनेंट्स में जाते हैं और ये मॉडल डॉट है उसके अंदर इसे पेस्ट करेंगे अब इसे यूज करेंगे ये जितने भी फील्ड्स हैं उसके अंदर वैल्यू और ऑन चेंज लगाएंगे और लास्ट में बाय नाउ फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पे नेम वाले इनपुट में वैल्यू दे दिया गया और ऑन चेंज लगा दिया गया सेम ऐसे ही एड्रेस में दे दिया गया पिन कोड में और फ़ोन नंबर और यहाँ पे बाई नाउ फंक्शन को कॉल कर दिया गया अब जैसे ही इस पर बाई करेंगे तो इसे यूज करते हैं यहाँ पे नेम देते हैं एड्रेस देते हैं यहाँ पे फील्ड को फिल कर दिया गया देन ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक एरर आएगा यहाँ पे एरर आ रहा है कि नो की पास ये एरर इसके वजह से आ रहा है यहाँ पे आपने की पास नहीं किया है यहाँ पे रेजर पे यूज कर रहे हैं तो रेजर पे की और सीक्रेट की प्रोवाइड करता है रेजर पे से की और सीक्रेट की लेना है तो ये रेजर पे का वेबसाइट है यहाँ पे एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना होगा या आपका पहले से अकाउंट है तो लॉगिंग करेंगे तो यहाँ पे मेरा पहले से अकाउंट है तो मैं लॉगिन करता हूँ तो ये रेजर पे का डैशबोर्ड ओपन हो गया ये लाइव मोड में होगा तो आप टेस्ट मोड में कर लीजिएगा अब ये आपका रेजर पे टेस्ट मोड में हो गया और यहाँ से की और सीक्रेट की को लेंगे यहाँ पे अकाउंट सेटिंग में जाके ए की पे क्लिक करेंगे वहाँ से आपको की और सीक्रेट की मिल जाएगा देन मैं अब अपना यूज करता हूँ देन यहाँ पे मैं अपना यूज करके दिखाता हूँ यहाँ से प्रोडक्ट को कार्ड में ऐड करेंगे तो ऐड टू कार्ड करना है कार्ड पेज पे जाएंगे और यहाँ से इसे बाई करेंगे तो बाई नाउ करते हैं नेम देते हैं यहाँ पे फील्ड को फिल कर लिया गया और ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए रेजर पे का आ गया और यहाँ पे कार्ड का यूज करेंगे रेजर पे टेस्ट मोड के लिए कार्ड नंबर प्रोवाइड करता है फोर वन 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 तो ये आपका टेस्ट मोड के लिए ये कार्ड प्रोवाइड करता है रेजर पे और यहाँ पे कोई फ्यूचर एक्सपायरी डेट दे देंगे और यहाँ पे अपना नाम देंगे और यहाँ पे सी वी देंगे वन टू थ्री और इस पर क्लिक करेंगे और पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो पे नाउ करेंगे यहाँ पे ओ देंगे वन 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 और सबमिट करेंगे पेमेंट सक्सेसफुल रीडायरेक्ट करेगा पेमेंट सक्सेसफुल तो ये पेमेंट सक्सेसफुल हो गया यूजर से एड्रेस इन्फॉर्मेशन लेने के लिए फोर यूज स्टेट बनाएंगे नेम एड्रेस पिन कोड फ़ोन नंबर ये हो गया देन एक फंक्शन क्रिएट करेंगे बाय नाउ जिस पर क्लिक करें तो पेमेंट इंटीग्रेशन का डायलॉग बॉक्स आए तो बाय फंक्शन में इस फंक्शन को एसिंक करेंगे सबसे पहले वैलिडेशन लगाएंगे एक एड्रेस इन्फॉर्मेशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके अंदर नेम एड्रेस पिन कोड फ़ोन नंबर और डेट देंगे तो इस एड्रेस को फायर स्टोर में स्टोर करेंगे रेजर पे एक फंक्शन प्रोवाइड करता है तो ये आपका रेजर पे का फंक्शन है जिसे आप यूज करके पेमेंट इंटीग्रेशन कर सकते हैं यहाँ पे आप की और सीक्रेट की दे सकते हैं जो आपको रेजर पे के वेबसाइट से मिलेगा और यहाँ पे अमाउंट दे सकते हैं करेंसी सेट कर सकते हैं और ऑर्डर रिसिप्ट रहेगा ऑर्डर रिसिप्ट में यहाँ पे नेम देंगे ये वाला यहाँ पे नेम देंगे और अपना डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं और ये एक हैंडलर है जो ये आपका मेन है इसके अंदर क्या करेंगे यहाँ पे एक टोस्ट दिखाएंगे कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गया और इस रिस्पॉन्स से पेमेंट आईडी लेंगे और एक ऑर्डर इन्फॉर्मेशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके अंदर कार्ड आइटम्स देंगे जो भी आप प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हैं उसका डेटा ऑर्डर इन्फॉर्मेशन में जाएगा और यहाँ पे एड्रेस इन्फॉर्मेशन देंगे यहाँ पे डेट देंगे और ईमेल और यूज़र आईडी देंगे ये ईमेल और यूजर आईडी लोकल स्टोरेज से लेगा जो करेंट यूजर रहेगा उसका ईमेल और एड्रेस आएगा और ये पेमेंट आईडी, जो ये आपका पेमेंट आईडी है देन ऑर्डर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेंगे फायर इस्टोर में तो यहाँ पर ट्राई कैच का यूज करेंगे और यहाँ पे कलेक्शन क्रिएट करेंगे और और एड मेथड का यूज करके ऑर्डर इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर देंगे तो इस फंक्शन में इतना करना था देन ये जो भी डेटा है जो आपका मॉडल ओपन होगा वहाँ पे इसे प्रॉप्स के हेल्प से इसे पास करेंगे तो यहाँ पे प्रॉप्स पास किया गया है जिसमें आपका फंक्शन है और ये यहाँ पे ये सब है देन ये प्रॉप्स को मॉडल में रिसीव करेंगे तो ये मॉडल डॉट जेस में जाएंगे यहाँ पे इसे डी स्ट्रक्चर किया गया और ये जितना भी फील्ड दिख रहा है और सभी फील्ड में वैल्यू सेट किया गया और ऑन चेंज इवेंट का यूज किया गया देन इस बटन पे बाई नाउ फंक्शन को कॉल कर दिया गया तो ये फंक्शन इस तरह से वर्क कर रहा है मेन आपका की और सीक्रेट की है जब आप की और सीक्रेट की देंगे तो आपका पेमेंट इंटीग्रेशन का इंटरफेस ओपन होगा ठीक अब देखते हैं फायर में ये ऑर्डर कलेक्शन स्टोर हुआ है ये ऑर्डर कलेक्शन में डेटा स्टोर हुआ है तो यहाँ पे आपका एड्रेस इन्फॉर्मेशन स्टोर हुआ है यहाँ पे एड्रेस इन्फॉर्मेशन दिए थे कार्ड आइटम से स्टोर हुआ है और डेट है ईमेल है पेमेंट आईडी है और यूज़र आईडी है तो ये फंक्शन परफेक्टली वर्क कर रहा है तो इस तरह से फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं कोई भी एरर आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो